यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। Does the force on a charge due to another charge depend on the charges present nearby? ये भी बहुत सिंपल है अगर हमने पढ़ा है। No. Principle of superposition बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है ना। Principle of superposition क्या बोलता है? सुपरपोजिशन बहुत तगड़ी चीज है। अलग अलग जगह इसका अलग अलग मतलब आता है। वेव्स में अलग, यहाँ पे अलग, क्वांटम फिजिक्स में अलग, है ना। तगड़ी चीज है सुपरपोजिशन। तो क्या बोलता है भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? क्या बोलता है भाई? वो बोलता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, अपन ने पढ़ा था, यहाँ पे एक चार्ज है मान लो क्यू1, यहाँ पे दूसरा चार्ज है Q2, मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सब सही चल रहा है ना। फिर एक तीसरे चार्ज की एंट्री हो गई, लेट्स से Q3, है ना। जैसे मूवी होता है ना, एक हीरो है, हीरोइन है, फिर दूसरी हीरोइन आ गई, तो क्या होगा? क्या इस हीरोइन के आने से इन दोनों के फोर्स पे, ना इस चार्ज के आने से क्या इन दोनों के फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, वो बिल्कुल सेम रहेगा। क्या नेट फोर्स चेंज होगा? बिल्कुल नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। अभी सिर्फ इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन था, अब इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन हो जाएगा। तो अगर तुम कहोगे सर क्या Q1 पे नेट फोर्स चेंज करा? हाँ बिल्कुल करा। स्टेटमेंट समझना, क्या इस पे नेट फोर्स चेंज करा Q1 पे? हाँ नेट फोर्स चेंज करा। क्या Q2 इस पे जो फोर्स लगा रहा था F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्या ये चेंज करा? नहीं। F12 इसकी एंट्री के बाद भी सेम रहेगा। मतलब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उनको कोई मतलब नहीं है दुनिया में। कोई है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, कोई फर्क नहीं है। इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो वैसा बरकरार रहेगा। ऑल्दो Q1 का ध्यान अभी इधर भी चला गया है ना, तो नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। इस पर नेट फोर्स बदल जाएगा, इस पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इन दोनों का वेक्टर एडिशन, ठीक है। पर इन दोनों के बीच के फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है ना, किसी की एंट्री हो गई तो ये खत्म हो जाएगा फिर, है ना। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, बट आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, है ना।